एंड शहीरा, आपका तो बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है. वुड यू लाइक टू शेयर विद एवरीवन कि आप क्या क्या कर चुकी हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? एब्सोल्युटली, प्लीज, वी लव टू हियर फ्रॉम यू. ओके, सो बेसिकली मैं अगर एक कूजे में बंद करूँ इन अ नटशेल, तो मैंने अपना बैचलर्स किया इन जियो फिजिक्स, फिर आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन जियो फिजिक्स जी कराची से. फिर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक होती है, उस पर मेरा सिलेक्शन हो गया. मैं अमेरिका चली गई, 2 साल मास्टर्स किया मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे. वहाँ वो कहाँ से किया आपने? वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन डीसी. बहुत बड़े भाई, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी. फिर यूएस में गन वायलेंस पे बड़ा काम किया, बिकॉज माय कजन, वो मेरे साथ ही सेलेक्ट होके एक हाई स्कूल के प्रोग्राम में गई थी. वो 17 साल की थी, उसको वापस आना था. 21 दिन रह गए थे उसके प्रोग्राम के ख़त्म होने में. उसके स्कूल में एक स्कूल शूटिंग हुई है और 10 लोग मारे गए, जिसमें से वो भी थी सबीका, उसका नाम था. right, तो सबीका के बाद फिर मैंने वहाँ पे गन वायलेंस के ऊपर अमेरिका में बहुत काम किया. फिर मैं पाकिस्तान आ गई. पाकिस्तान में आई वॉज़ वर्किंग विद द गवर्नमेंट, एक मेरी जॉब हो गई इस्लामाबाद में. और फिर उसके बाद जब कोविड आया, तो उसके साथ साथ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आ गया. मैंने बोला कि यार, मैं रात के 4-4 बजे बैठ के आई एम लिसनिंग टू द इंटरव्यूज़ ऑफ दीज पीपल. मतलब आई एब्सोल्युटली अडोर शाहरुख खान एंड सजल अली, वो मेरे बेंच मार्क्स हैं. मैं रात के 4-4 बजे इंटरव्यूज सुन रही हूँ डायरेक्टर्स के, ना सिर्फ एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, टेक्नीशियंस के. और मैं सोच रही हूँ यार, जिंदगी में कोई एक चीज़ जो जिसने मुझे इतना फैसिनेट किया है कि मैं रात के 4-4 बजे बस सुन रही हूँ, लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ नर्ड. तो ये दिस इज माई ट्रू कॉलिंग ना, राइट? नॉट दैट, नथिंग एल्स फैसिनेटेड मी टू दैट पॉइंट. इतनी खुशी मुझे, वो 3 इडियट्स का एक सीन है, आमिर खान बोलता है कि बचपन से सोचते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे. तो मेरी कंडीशन बिल्कुल वही थी. तो मुझे लगा कि यार, यही करना चाहिए. और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जिस पे सब ने मुझे बोला कि ये पागल हो गई है. और जॉब छोड़ के इस साल ही मैंने स्टार्ट किया पहले. लाइक दिस वाज माय काइंड ऑफ लाइक माय सेकंड प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे पहले एक छोटा सा मैंने एक रोल किया था एक ड्रामे में. किस ड्रामे में? लेट्स नॉट गो देयर. नहीं बताए. ओके, ड्रामे का नाम था मीसनी. मीसनी, वो सोप. इस्लामाबाद में उसकी शूट हुई थी. और उसके फौरन ही बाद एक फीचर फिल्म की शूट के लिए मैं कराची आई हुई थी. और मौजूदन मुझे रजिया ऑफर. बहुत बड़ी फीचर फिल्म है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगी खुद से? मैं उसका नाम मेंशन कर सकती हूँ. नाम है उसका नायाब. वो बहुत जल्दी की आने वाली फिल्म नायाब में आप बहुत जल्द शहीरा को देखेंगे. लेकिन शहीरा, पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने शहीरा की कहानी सुनी, ये तो रियल लाइफ रजिया है यार, इस बात पर तालियां बज रही है. आप देखें इसकी जर्नी. बट टेल मी समथिंग शहीरा, जब आप एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर अमेरिका गए, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, फिर वहाँ पे गन वायलेंस के ऊपर आपने काम किया एज एन एक्टिविस्ट, फिर आप पाकिस्तान आई, यहाँ पे भी आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया, तो ये तो अगर देखा जाए तो एक बड़ी जो ट्रेजेक्ट्री या जर्नी है, वन वुड थिंक यार बड़ा एक सीरियस माइंड, या नॉट टू से कि एक्टर्स सीरियस नहीं होते, बट एक आर्टिस्ट की यूजली अगर आप जर्नी का मुतालिया करें और फिर एक एक्टिविस्ट का करें, तो उसमें काफी आपको तजाद नजर आएगा. तो वर यू ऑलवेज एन आर्टिस्ट इनहेरेंटली? ये जो आपने जो पहले पाथ चूज किया, वो कोइंसिडेंटली हो गया? टेल अस अबाउट दैट, वो क्या था? देखिए, मुझे लगता है मेरी आधी से ज्यादा 3/4 मेरी जिंदगी लैपटॉप पे गुजरी है. तो मैं आई वॉज अ नर्ड, ठीक है ना? तो कभी भी मेरी ऐसी लाइफ नहीं रही थी, रियली आउट गोइंग एंड ऑल ऑफ दैट. आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट और बिचारी सी इंसान रही हूँ मैं सारी जिंदगी. नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा बिचारी. जो गन वायलेंस के ऊपर अमेरिका में काम कर रही है और यहाँ पे भी पाकिस्तान में कर रही है, वो बिचारी नहीं. और फुल प्राइस पे, और फिर अपनी नौकरी छोड़ के एक्टिंग को परसू कर दिया बावजूद इसके के सपने का पागल हो गई, तो वो बेचारी नहीं हो सकती मेरे ख्याल. आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग. मुझे लगता है ये जो आपने तजाद की बात की ना, ये दुनियाएं बहुत मुख्तलिफ हैं. और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को चैलेंज भी करना चाह रही थी कि यार, मैं कंप्लीटली वो इंसान रही हूँ, यू नो, एक क्यूबिकल में बंद. ये दुनिया कम्प्लीटली 180 डिग्रीज ऑपोजिट है, यू नो, सराउंडेड बाई पीपल ऑल द टाइम. सो मे बी आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ एंड जस्ट एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ इट. तो जब रजिया आप तीनों के पास जब आया, मुझे पता चला आपने तो मना कर दिया था, आपने कहा मैंने करना ही नहीं, ये सच है? क्यों भाई, क्यों आपने मना क्यों कर दिया? हुआ ये कि मोहसिन भाई ने, मोहसिन भाई के असिस्टेंट ने कॉल की. पहले मोहसिन भाई की कॉल आई कि भाई कहाँ है, मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी, तो मैं बोला यार मैं तो जा रहा हूँ. बोले कह रहे यार तू आ सकता है क्या? हुआ मोहसिन भाई? तो यार वो एक काम है. तो वो मैं बोला अच्छा चले ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ. उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद उनके असिस्टेंट की कॉल आ गई कि यार वो एक मीटिंग कर लेते हैं
और जो है ना वो एक कैरेक्टर है, चले करते हैं। कल हुआ फिर कॉल आई, कह रहे हैं यार वो आपने आना था, मतलब चले मैं आ रहा हूँ। गए अब मोहसिन भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ कलीम बस जो है ना वो करते हैं इस तरीके का है, तो ये वो मतलब ये तो नहीं कहा नापा क्यों खुद ही कर लो देखो जहन में होगा बोला नहीं, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम मोहसिन। अच्छा तो वो असिस्टेंट जो था अब वो ये कह नहीं रहे कि यार ऑडिशन लेना है। अच्छा हाँ यस यस मतलब ऑडिशन लिया है, लेकिन वो बोल नहीं रहे, जाहिर है काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, वो जो उनके शर्मा आ गए, वो कह रहे हैं इसको हम कैसे बोलेंगे ऑडिशन। तो वो जूनियर थे, वो भी आर्ट्स काउंसिल थे तो मुझे कह रहे हैं ये है जरा ये पढ़ लेते हैं जरा बहुत आपको समझ आ जाएगी। और ये मैंने पढ़ लिया, मतलब फिर पढ़ तो लिया, बस वो देख लेते हैं बस जो है ना वो मोहसिन भाई आ जाए तो वो कर लेते हैं। तो मतलब यार अच्छा चलो ठीक है मैं समझ गया, मैंने डिसाइड कर लिया। नहीं अब मना कैसे करूं, ये तो नहीं बोल सकता नहीं मौसम में मैं नहीं करना, मतलब कोई ऐसा सिनेरियो मिले तो मैं इनको मना करता हूं। कल फिर कॉल आ गई कि भाई वो आज आप आ जाओ, तो मतलब हाँ ठीक है मैं जाता हूं और आज देख के मना कर के। अब बैठे हैं तो साथ ही हम देख रहे हैं कि कुछ और लोग आए हुए हैं उसी कैरेक्टर के लिए, यार ये कैरेक्टर जो है ना वो इस तरीके से तो अब वो साथ खड़ा कर रहे हैं, यार ये बड़ा लगेगा ये छोटा लगेगा, तो वो एज दिखानी थी उनको। तो मैं कह रहा हूँ यार ये क्या मतलब हो क्या रहा है यार, इतनी क्या बड़ी बात है भाई, इतना क्या बड़ा किरदार है यार, शाहरुख खान पे बायोपिक तो नहीं बना रहे तो ये बातें आप लोगों के लिए ऑडियंस के लिए भी समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ कास्टिंग का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जितने ड्रामे आप लोग देखते हैं टेलीविजन के ऊपर उसमें जो कास्टिंग हुई हुई होती है वो इसलिए नहीं हुई होती कि कौन किस किरदार में सही से बैठता है, वो इस तरह से हुई हुई होती है कि कौन अवेलेबल है, किसके साथ अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, कौन पैसे कम लेगा। तो द फैक्ट के इस कैरेक्टर के लिए जो कि अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट किरदार है, बट लीड कैरेक्टर तो वैसा नहीं है, बट मोहसिन का वो विजन कि उन्होंने प्रॉपर उसमें ऑडिशंस करा के उसमें भी कास्टिंग की, मोहसिन के लिए तालियां। तो फिर जब आए तो कह रहे हैं यार वो शेव वगैरह करवा के आ जाओ, उन दिनों एक शूट चल रही थी, मैं बोला हाँ शेव तो वैसे ही करवानी है, तो वो छोटी छोटी मूछें हम रख के अगले दिन आ गए। तो मैं बोला ठीक है, तो वो हिना मान जो प्रोड्यूसर है हिनापा के पास ले गए, कह रहे हैं कि बस ये देख लें, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है देख लें आप। यार ये क्या, तो अगले दिन कह रहे हैं क्लीन शेव करके आओ, तो वो फिर क्लीन शेव करके आए, तो मैं उनको यार मोहसिन भाई वो ज़रा मैं थोड़ा बिजी हूँ हाँ। तो रहने देते हैं, मैं वहाँ नेपा चले जाऊँ वहाँ थोड़े काम हैं, तो वो कह रहे नहीं नहीं यार तू आ। फिर मैं आ गया, मैं बोला स्टोरी क्या, स्टोरी आप बताए। फिर उन्होंने प्रॉपर स्टोरी बताई, 6 EP जो थे वो प्रॉपरली उसका स्क्रिप्ट मुझे भिजवाया कि भाई ये है। फिर आपने कहा कि यार ये तो मैं ना नहीं कर सकता। जब मैंने स्क्रिप्ट फड़ा और एक तरफ से पढ़ रहा हूँ दूसरी तरफ से आंसू आ रहे हैं, मैं बोला यार ये मैं क्या करने जा रहा था। अरे वाह 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 क्या कर। अच्छा